हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटो में। आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के बारे में। अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सीधे कॉम्पिटिशन देती है हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, एक्सयूवी 300 जैसी गाड़ियों को। स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 7,99,000 एक्स शोरूम से इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है और टॉप चला जाता है 15,70,000 एक्स शोरूम तक। जैसा कि आपने डैशबोर्ड में देखा, कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं है, तो ये इसका सबसे बेस HTE वेरिएंट है। डीजल इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। अगर आप किया सोनेट के टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा, एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। कलर चॉइसेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको वाइट, सिल्वर, ग्रीन, रेड, ब्लू बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। अगर इंजन की बात करें, वो भी आपको मिलेंगे तीन तरह के, 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अभी आप देख रहे हैं डीजल इंजन को 115 bhp की पावर और 250 nm का टॉर्क निकालता है। माइलेज भी आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है, लगभग 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर तक का। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो भाई मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT, DCT ये सारी चॉइसेस आपको देखने को मिल जाती हैं इस किया सोनेट के अंदर। की बात की जाए तो सबसे बेस वेरिएंट है, यहाँ पे आपको नॉर्मल सी की मिलेगी, कोई रिमोट सेंटर लॉकिंग की नहीं मिलती, वो आपको हायर वेरिएंट्स में मिलेंगे। टॉप में आपको जाएंगे तो वहाँ पे स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर के अंदर। तो भाई फ्रंट से देख लीजिए, टाइगर नोज ग्रिल इसकी सेंटर में आपको मिलती है, यहाँ पे किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो। ये जो ग्रिल है, अंदर आपको हनीकॉम डिज़ाइन मिल जाता है, नीचे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिलेंगे। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हेडलैम्प्स की बात की जाए तो सबसे बेस है भाई, तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, कोई DRL नहीं मिलते आपको, यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नीचे आपको मिलती है यहाँ पे फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। सामने बैठने में ऐसा कुछ पूरा फ्रंट फेसिया है। नीचे आपको मिलती है सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट, 205 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये तो के फ्रंट की बात, बोनट पे काफ़ी कट्स एंड क्रीजेस हैं, यहाँ पे डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप। अगर रूफ की बात की जाए तो सबसे बेस वेरिएंट है, यहाँ पे आपको प्लेन रूफ मिल रही है, पीछे आपको मिलता है पावर एंटीना। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सनरूफ वगैरह भी देखने को मिलेगी इस किया सोनेट के अंदर। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो भाई व्हील कवर्स भी दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फेंडर पर मिलती है आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। डायमेंशंस की बात की जाए तो 3995 mm लेंथ है, 1790 mm इसकी विड्थ है। यहाँ पे आपको 15 इंच के स्टील व्हील दिए जा रहे हैं, टॉप में आपको 16 इंच के अलॉयस मिलेंगे, स्टील व्हील हैं और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं व्हील कवर्स। गुडियर के टायर हैं। अगर टायर सेक्शन की बात की जाए तो 195/65 R15 का आपको मिल जाता है सेक्शन, ऊपर आपको क्लैडिंग वगैरह मिलेगी। यहाँ पे फेंडर पे मिलती है आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। आउटसाइड मिरर्स की बात की जाए तो मैनुअली फोल्डेबल, मतलब अपने हाथों से फोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, आपको अंदर बटन मिलेगा इनको एडजस्ट करने के लिए। एंड डोर हैंडल्स रहने वाले बॉडी कलर, अगर इसका फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, पूरा ब्लैक फिनिश में, कोई ऑडियो सिस्टम नहीं है, आपको बाद में लगवाना पड़ेगा, अभी इसको आगे प्रॉपर बैठ के कवर करेंगे। और रियर में ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक, और यहाँ से डलवाएंगे आप पेट्रोल और डीजल। 45 लीटर की मिल जाती है आपको टैंक कैपेसिटी। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, तो भाई रियर से देख लो, ऐसे कुछ आपको मिलते हैं यहाँ पे रियर लुक्स। कनेक्टिंग टेल लैंप्स हैं, लेकिन ये बेस में पूरे नहीं चलेंगे, ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा पावर एंटीना। यहाँ पे है हाई माउंट शॉप लैंप, कोई डिफॉगर, कोई वाइपर आपको नहीं मिलने वाला, जाहिर सी बात है। नीचे आपको मिलती है किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो। एंड ये रहे इसके कनेक्टिंग टेल लैंप, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन टॉप में जाएंगे तो ये पूरे बूट में आपको जलते मिल जाएंगे। टायर इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसी के अंदर आती है। बाकी साइड में देखेंगे तो सोनेट की बैजिंग है, एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट, यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट। अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। अगर स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आता है 385 लीटर का बूट स्पेस, कोई पार्सल ट्रे नहीं दी गई, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेयर व्हील, टूल किट वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है, मतलब स्पेस की कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा स्पेस है, पार्सल ट्रे आप बाद में इसमें लगवा सकते हैं। ये तो गई स्पेस की बात। ऊपर देखेंगे तो दो दो हेडरेस्ट हैं, फ्रंट डैशबोर्ड, इसको भी आगे प्रॉपर हम कवर करने वाले हैं। अब चलिए बूट को कर देते हैं बंद और चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। रियर सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से देखते हैं। तो ये रहे इसके डोर हैंडल, जो कि रहने वाले हैं बॉडी कलर्ड। एंड अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो पूरा ब्लैक फिनिश में रहता है, यहाँ पे कोई डुअल टोन कलर नहीं दिया गया है। ये इसका डोर ओपनर है सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे मैनुअल विंडो के कंट्रोल्स, स्पीकर के लिए जगह, यहाँ पे मिल जाता है आपको बॉटल होल्डर। अगर रियर कैबिन की बात की जाए तो इतना कुछ लेग रूम, हेड रूम मिलेगा, दो दो हेडरेस्ट हैं जो कि फिक्स्ड रहने वाले हैं, एडजस्टेबल नहीं है, फैब्रिक की सीट्स हैं। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के पूरा स्पेस चेक करते हैं।
तो आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, इतना कुछ नी रूम मिलेगा। लेग रूम देख लीजिए, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा, स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं है इसके रियर सीट्स में। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एसी के वेंट्स, यहाँ पे कुछ स्पेस, टाइप सी के 2 चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। ये अंदर का पूरा इंटीरियर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, दो हेडरेस्ट जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऊपर आपको मिलती है यहाँ पे रूफ लाइट जो कि हेलोजन में रहती है। फ्रंट डैशबोर्ड ऐसा कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे स्टेरिंग के ऊपर आपको एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है और सोनेट के अंदर स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट के ऊपर, वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो भाई ये रहे इसके डोर हैंडल्स। अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो सेम रियर की तरह पूरा ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ये डोर ओपनर सिल्वर फिनिश में। फ्रंट पावर डोर के कंट्रोल्स, यहाँ पे ORBM के कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर के लिए जगह, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस और अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड फ्रंट कैबिन में इतना कुछ स्पेस, आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं उनको आप एडजस्ट कर पाओगे, फैब्रिक की सीट्स। ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड, अगर इनके सीट का लेआउट दिखाऊं तो ऐसे कुछ आपको फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं, ऐसा कुछ टेक्सचर मिलेगा। अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलता है, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं। नीचे आपको फील्ड कैप ओपनर, मैनुअल ABC पेडल्स, बोनट आप यहाँ से खोल सकते हो। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का बटन, आइल स्टार स्टॉप, हेडलाइट लेवलर और ऊपर आपको यहाँ दिए जा रहे हैं AC केबिन जो कि सिल्वर इंसर्ट्स के साथ आते हैं। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको नज़र आने वाला है इसका फ्रंट डैशबोर्ड। चलिए गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं। तो ये रही इसकी की, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। क्लस्टर की बात की जाए तो आपको सेमी डिजिटल यहाँ पे दिया जा रहा है, देख सकते हैं एक तरफ RPM मीटर, एक तरफ आपको इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर आपको सामने डिजिटल देखने को मिल जाएगा, सारी चेक लाइट्स हैं एंड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस MID के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर जो कि यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, यूरिया के लेवल, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी सबसे बेस वेरिएंट में भी आपको TPMS मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये तो गई क्लस्टर की बात, अब बात करते हैं हम इसके स्टीयरिंग की, जो ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है। एंड किया की ब्रांडिंग है, साइड में आपको MID के कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे वाइपर, इधर आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नीचे आपको मिलेगा लीवर जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंटर में कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं दिया जा रहा, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब आपको एंड्रॉयड प्लेयर वगैरह लगवाना हो, जो भी लगवाना हो। यहाँ पे हेडलाइट का स्विच मिलेगा, ये मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। साइड में देखेंगे तो AC के वेंट्स हैं, यहाँ पे सारे बटन्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे कुछ स्पेस है एंड ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी इसके अलावा हाईएस्ट ब्रांड में आपको DCT और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर हैं और ये इसका आर्मरेस्ट है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया सा स्पेस दिया जा रहा है। तो ये हो गया पूरा फ्रंट डैशबोर्ड। एयरबैग आपको 6 मिलते हैं, ऊपर आपको मैनुअल डे नाइट IRVM, इधर आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा। अगर कोड एफ सेट की बात की जाए तो यहाँ पे भी नहीं दिया जा रहा है। विजिबिलिटी वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है किया सोनेट के अंदर। ये तो हो गई पूरे इंटीरियर की बात। अब चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं 6 एयरबैग। प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं सोनेट के सबसे बेस HTE वेरिएंट को डीजल इंजन है प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन है, 9,80,000 एक्स शोरूम और लगभग 11,20,000 रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ेगी। ऑन रोड प्राइसेस स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, आप अपने शोरूम पे जाके पता कर लीजिएगा। तो ये थी किया सोनेट, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू किया बालाजी तेलीबाग लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी किया कार्स, विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।